कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में बिहार में जन अधिकार पार्टी मंगलवार से किसान मजदूर रोजगार यात्रा की शुरुआत करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि यात्रा की शुरुआत वीर कुंवर सिंह की धरती से होगी। साथ ही 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजभवन मार्च भी निकाला जाएगा और 26 जनवरी को युवा परिषद द्वारा हर जिले में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। पार्टी कार्यालय में जानकारी देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में किसानों की सबसे बुरी स्थिति है। अधिकतर किसान कर्ज के बोझ में तले दबे हुए हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि यात्रा मार्च गांधी मैदान में खत्म की जाएगी। जाप अध्यक्ष ने कहा कि किसानों ने जो लड़ाई शुरू की है उसे पूरे देश की जनता का समर्थन मिल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्रैक्टर लेकर सिंधु बॉर्डर पर भी कूच करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 महीने में ब्लैक मनी देश में वापस लाऊंगा, पर कुछ नहीं आया। जाप अध्यक्ष ने कहा कि जब देश के सभी लोगों को कोरोना टीका नहीं लग जाता तब तक जाप का कोई सदस्य या टीका नहीं लेगा।